brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. लोकसभा चुनाव को लेकर के भाजपा ने पांचवी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें बिहार के 3 लोकसभा क्षेत्र बक्सर, सासाराम और मुजफ्फरपुर के सिटिंग कैंडिडेट की सीट काटी, टिकट काटी गई है, जिसके बाद कई एक तरह की खबरें आ रही है और मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद की नाराजगी की भी बात सामने आई है। नमस्कार, मेरा नाम मणिभूषण और आप देख रहे हैं बिहार तक। सबसे पहले आपको हम बता दें, सूत्रों के हवाले से जो पुख्ता जानकारी मिल रही है, बीजेपी सांसद अजय निषाद जिनकी टिकट काटी गई है, वो महागठबंधन के नेताओं के संपर्क में है और महागठबंधन के बड़े नेता उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। यदि इंडी गठबंधन उन्हें टिकट देती है और प्रत्याशी बनाएगी तो निश्चित रूप से महागठबंधन की ओर से चुनाव लड़ेंगे। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अपने समर्थकों के साथ गुप्त रूप से अजय निषाद जो बीजेपी के सांसद हैं, टिकट कटने के बाद लगातार बड़ी बैठक कर रहे हैं। उनकी नाराजगी भी जो सामने आई है, खुलकर सामने आ रही है नाराजगी, क्योंकि आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय बिहार के पटना में जाकर के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी से मिलकर के भी अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। हालांकि मीडिया के सवालों से वो बचते नजर आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी सांसद अजय निषाद महागठबंधन के नेताओं के संपर्क में और महागठबंधन के बड़े नेता भी उनसे टेलीफोनिक बात की है। जो सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है कि महागठबंधन के बड़े नेता उनसे संपर्क किए हैं टेलीफोन के माध्यम से। ऐसे में यदि महागठबंधन यानी इंडी गठबंधन से अजय निषाद को प्रत्याशी बनाया जाएगा तो निश्चित रूप से चुनाव भी लड़ेंगे, जो बातें सामने आ रही है। चूंकि लगातार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें अपने समर्थकों के साथ अजय निषाद बैठक करते दिख रहे हैं और समर्थक अजय निषाद को राय देते दिख रहे हैं कि राजद से ज्वाइन करके टिकट लाइए और 4 लाख से अधिक मतों से जीत कर जाएंगे। तो ऐसे में अब अजय निषाद की भी जो पुख्ता जानकारी हम लोगों को मिल रही है, उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है और कल के बाद अजय निषाद पत्ता भी खोल देंगे कि वह क्या करेंगे। लेकिन सूत्रों से जो पुख्ता जानकारी मिल रही है, वो बड़ी खबर है कि महागठबंधन यदि प्रत्याशी बनाती है, टिकट देती है, तो अजय निषाद महागठबंधन का प्रत्याशी हो सकते हैं। यह पुख्ता सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। अब अजय निषाद के बैकग्राउंड के बारे में यदि बात करें तो अजय निषाद कैप्टन जय नारायण निषाद के बेटे हैं और जय नारायण निषाद भी कई एक पार्टियों से चुनाव लड़कर सांसद बने हैं। सबसे पहले वह राष्ट्रीय जनता दल के ही टिकट पर मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़े थे और जीते थे। 3 बार एक बार में ही 3 बार चुनाव हुआ था लगे साल में, 96, 98 और 99 में 3 बार वो राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़े थे और जीते थे। इसके बाद जनता दल यूनाइटेड से चुनाव लड़े, जीते। फिर अजय निषाद बीजेपी से चुनाव लड़के जीते। तो ऐसे में कैप्टन निषाद के बारे में बात करें तो कई एक पार्टियों से चुनाव लड़े और सांसद बने थे, तो अजय निषाद के भी दूसरे पार्टियों से चुनाव लड़ने की आशंका संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। वहीं जो सूत्रों से जानकारी मिली है, अजय निषाद से महागठबंधन के बड़े नेता भी संपर्क में हैं। हालांकि अजय निषाद खुलकर मीडिया से कुछ बोलते से बचते नजर आ रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रही है, उस वायरल वीडियो में अजय निषाद अपने समर्थकों के साथ बैठक कर रहे हैं और समर्थक उन्हें राष्ट्रीय जनता दल से ज्वाइन कर टिकट लाने की सलाह देते नजर आ रहे हैं। वहीं अजय निषाद की जिंदाबाद के भी नारे लगा रहे हैं। ऐसे में अजय निषाद की यदि बात करें तो ऑफ रिकॉर्ड जो जानकारी मिल रही है, राजभूषण चौधरी से जो बीजेपी के प्रत्याशी बनाए गए हैं, उन्होंने 4 लाख से अधिक मतों से हराया था। इस बात को लेकर और ज्यादा नाराजगी है कि 2 बातों को लेकर के अजय निषाद की नाराजगी है कि एक टिकट कटने की पुख्ता जानकारी नहीं दी गई कि ठोस कारण क्या है, आखिर टिकट किस लिए काटा गया, बीजेपी के बड़े नेता उनसे इस बात पर राय मशवरा नहीं किए। वहीं राजभूषण चौधरी को प्रत्याशी बना दिया, जिस राजभूषण चौधरी को 4 लाख से अधिक मतों से हराए थे उन्हें उनके जगह पर बना दिया। इन 2 बातों को लेकर वो काफी नाराज हैं, अपने समर्थकों के साथ बैठक कर रहे हैं, पार्टी के प्रदेश कार्यालय में जाकर के प्रदेश अध्यक्ष को अपनी नाराजगी जाहिर कर दिए हैं। वहीं जो सूत्रों से जानकारी मिली है, महागठबंधन के बड़े नेता के भी संपर्क में है, तो ऐसे में इनकार नहीं किया सकता है इस संभावना से कि महागठबंधन के प्रत्याशी बीजेपी सांसद अजय निषाद हो सकते हैं। तो मुजफ्फरपुर में बीजेपी की 5वीं लिस्ट जारी होते सियासत तेज हो गई है। राजभूषण चौधरी निषाद के समर्थक में जिला अध्यक्ष बैठक कर रहे हैं, वहीं अजय निषाद के जो समर्थक है उनके विरोध में सोशल मीडिया पर और पब्लिकली भी बैठक कर रहे हैं। तो राजभूषण चौधरी के नाम की घोषणा होते ही विरोध और समर्थन शुरू हो चुका है। वहीं अजय निषाद की बात करें तो अजय निषाद भी महागठबंधन के नेताओं के संपर्क में है, उनकी बात हुई है। सूत्रों से जो जानकारी मिली है, हालांकि अजय निषाद ने इस बात की पुष्टि नहीं किया है, लेकिन सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उस हिसाब से अजय निषाद महागठबंधन के प्रत्याशी हो सकते हैं और इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि क्योंकि बैकग्राउंड यदि देखा जाए तो उनके पिताजी भी कई एक पार्टियों से चुनाव लड़के सांसद बने थे। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा, बिहार तक।